ब्लू ये खतरे की निशानी है। अच्छा तो गाइज अभी निकलते हैं यहाँ से साढ़े पिंड के लिए। शाम भी हो गई, बाहर की तरफ नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा, वैसे तो रोशनी हो रही है अभी, बट वहाँ तक जाते जाते अंधेरा ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ से है 9 किलोमीटर दूर। आप लोगों को दिखा देता हूँ, कभी आप झूठ समझो तो 20 मिनट का रास्ता है, तो पहुँच जाएंगे, 7 बची रहे हैं और अभी। तो गाइज अब यहाँ से चलते हैं, सेल्फ मारी लिया हमने अपनी गाड़ी का। और आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, बोरिंग तो नहीं लग? आपके अमृतसर की नाइट लाइफ का कैसे है, बाहर की रोड कैसी लगती है नाइट में और कैसी नहीं, तो वो आप लोगों को आगे की तरफ जाकर बतलाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर आईसीआई का प्रचार चल रहा है बढ़िया करके भाई, हर पिलर पर लिखा हुआ आईसीआई बैंक, भाई इसी में खाता खुला लो, जिसके पास पैसा हो, अपने पास तो पैसा है नहीं तो अपना हम तो खुला सकते नहीं। इसी नाइट लाइफ की तो बात कर रहा था, मैंने कहा देखते हैं बाहर निकल के कैसे नजारा थे। झंडे के कलर की जो लाइटिंग चल रही है ना भाई, बहुत ही तगड़ा लग रहा है, ऐसा अपने मेरठ में नहीं है, तो अपने मेरठ में भी यार होना चाहिए ऐसा ही, मतलब फ्लाईओवर ही नहीं है पहली बात तो अपने यहाँ, तो फ्लाईओवर ऐसे निभा दिया ऐसे बता सो, फ्लाईओवर बनेगा धीरे धीरे। और ये भाई लाइट तो कलर चेंज हो रहा है लाइटों का, हाँ कलर चेंज हो गया, पर भाई रेड ब्लू हो गया, तो धीरे धीरे ऐसे कलर भी चेंज हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है, कलर भी चेंज होते रहने चाहिए, पर लोग नहीं बदलने चाहिए, लोग बहुत जल्दी रंग बदलते हैं। ये है साडा पिंड लेफ्ट हैंड पे, और ये अमृतसर बाईपास पे पड़ता है, तो अभी गाड़ी पार्क करते हैं कहीं साइड में और फिर अंदर की तरफ चलते हैं आप लोगों। ये भाई ये साडा पिंड, इधर से एंट्री है क्या? सामने पार्किंग में खड़ी कर दी गाड़ी, अभी चलते हैं अंदर और इधर से ही एंट्री, तो देखते हैं क्या इसमें एंट्री का कोई चार्ज लगता है नहीं लगता है। वैसे तो मुझे पता लगी है चार्ज लगता है, बाकी क्लियर मेरे को वहीं जाके होगा, तो पहले क्लियर करते हैं कि कोई एंट्री चार्ज है या नहीं है अंदर जाने का, अगर चार्ज है तो फिर कितने का है। साढ़े पिंड की एंट्री और अंदर की तरफ काफ़ी अच्छा सा व्यू आ रहा है, ये देखो सामने से ये दिख रहा है ना, तो यहाँ से चलते हैं अंदर। हमने कितना प्राइस लिखे हैं, 850 रुपये एडल्ट और चिल्ड्रन का है 700 रुपये। तो अभी भाई से पूछते हैं क्या क्या सिस्टम है। भैया एक टिकट चाहिए 850, उसमें क्या क्या मिलता है वो आपको सामने लड़का खड़ा है सब बता देगा। ओके ओके ठीक है, आप एक आप पहले पूछ सकते हैं इससे। अच्छा नहीं नहीं कोई दे दो, वो तो जानते हैं कितनी, एक 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 हाँ। इसका प्राइस अभी बढ़ा है, पहले 650 के आसपास था शायद, पहले 750 थी। अच्छा 750 अक्टूबर से बढ़ गया। अच्छा अक्टूबर से बढ़ गया। तो गाइस ये है हमारी टिकट जो भाई अभी वेरीफाई करेगा सामने सिस्टम पे, है हमारी एंट्री। एंड आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ये जो हमारे पास पर्ची है ना, ये टाई, ये है हमारा फूड के लिए, इसमें हम जितना भी खा सकें एक बार में, हम कितना भी खा सकते हैं, वन टाइम के लिए होता है, तो कितना भी खाओ एक बार में पेट भर के। और दूसरा ये वन गेम वन राइड के लिए ये दो टिकट है, तो ये भी अंदर की तरफ देखते हैं क्या क्या चीज़ है। भाई साढ़े पिंड में हमारी एंट्री और यहाँ पर कोई चेकिंग वेकिंग होगी, देखते हैं क्या सीन है यहाँ पर। क्योंकि बाकी मेरे हाथ में ये टाई बांध दी गार्ड ने, और अभी चलते हैं अंदर भाई। ये देखो और ये खाट देखो भाई, कितनी बड़ी खाट डाल रखी है यहाँ पे बच्चों के लिए, झूला वूला झूलने के लिए। और बच्चों का तो मैंने चलो आप लोगों को बता ही दिया, वैसे तो 700 रुपये का टिकट था, तो इधर देखते इधर की तरफ क्या है। पहले देखो भाई डमी है पर रियल जैसा लग रहा है बिल्कुल, और ये है भाई सामने, बिल्कुल सब आर्टिफिशियल है भाई। ये देखो ये तो ओरिजिनल है, बहुत सुंदर। तो ठीक है यहाँ पे बनी है रोटियाँ और ये सब बैठने के लिए है, और देखता आगे की तरफ इधर कुछ है क्या, इधर तो कुछ नहीं है भाई, इधर एग्जिट डोर है भाई। और ये है भाई टॉयलेट सामने की तरफ, इधर देखते क्या है, पानी वानी है क्या। ये यहाँ से ली थी मैंने नमकीन छाछ और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी, चलते हैं। और आप लोगों को यार मैं पिला दिखाने के चक्कर में, वो पीने के चक्कर में दिखा नहीं पाया, अभी दोबारा जब पीऊँगा यार लूँगा कुछ भी तो आप लोगों को दिखाऊँगा सारी चीज़ें। देखो भाई पुराने तरीके से पिक्चर जो देखते थे ना वो है सब इसमें। तो ये देखो गाइस ये अंबर पैलेस है सामने की तरफ, और मैं ज़्यादा देर चलाऊंगा वीडियो को तो फिर भाई कॉपीराइट की दिक्कत आ जाएगी। इसमें अकेला यार मैं बड़ा यार एडवेंचर टाइप से, मतलब बड़ा एकदम ना एक्साइटमेंट वाली चीज़ ऐसी हो रही है। और अभी चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, इधर क्या है पहले इधर देखते हैं यार, इतनी सारी चीज़ें इधर जाऊँ इधर जाऊँ समझ नहीं आ रहा। ये देखो भाई स्कूटर डमी है, चलेगा नहीं। और ये बग्गी प्लीज डू नॉट अच्छा डू नॉट राइड भाई, इस पर चल नहीं से बैठ नहीं सकते तो चल नहीं सकते, तो अंदर मेले के अंदर चले जाएंगे जो भी मतलब अंदर गेम्स होंगे, तो वापस इधर से चलते हैं और सामने से एंट्री मारेंगे जहाँ से मेन एंट्री है। मैंने कहा पहले दोनों तरफ से कवर कर लेता हूँ कि कुछ रह तो नहीं, अगर सामने की तरफ देख लो भैंस दिख रही है डमी वाली, ये देखो ब्लैक कलर की
तो इधर भी चलेंगे अभी देख कर दे। भाई कितना सेट लग रहा है भाई, देख रहे हो किस तरीके से बना रखा है ये। और ये देखो भाई पेंटिंग कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ पे मिलते कपड़े मेड बाय हैंड, ये सब भाई मेड बाय हैंड है। देख रहे हो ये जितने भी इस पर कढ़ाई हुई हुई है ना, ये सब मेड बाय हैंड है। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आप लोगों को एक दिखाता हूँ रूम। ऐसा लग रहा है मैं किसी के घर में आ गया हूँ कोई कुछ कह रहा थे, बाकी बहुत प्यारा लग रहा है यार, मतलब कुछ अलग सा है। आगे की तरफ चलते हैं, इधर चलते हैं, इस साइड देखते हैं इधर की इस साइड में क्या है। फिर मेहंदी, अच्छा यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए है प्रोग्राम। जिसे मेहंदी लगवानी हो भाई को वो मेहंदी लगवा सकता है, बहन को भाई को जिसे भी लगवानी हो। और ये देखो भाई भैंस, और ये भाई गेम आप लोगों को पता ही है बचपन में जब खेला करते थे भाई। यहाँ यहाँ यार अकेले बता रहा भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ यहाँ अकेले बता रहा, यहाँ जो मज़ा आने वाला है ना, पर अपने साथ अपने मतलब ऐसे लड़के होने चाहिए जो मौज मस्ती कर पाए। पहले जैसे पुराने किचन हुआ करते थे ना उस तरीके से बना रखा है, जो बहुत ही सुंदर तरीके से भाई, वाकई भाई भाई बहुत तगड़ी चीज़ बना रखी है। ये खाट वाट खड़ी कर रखी है जैसे घरों में खड़ी रहा करती थी। आ गए और देखते हैं साइड में क्या है। और मुझे यार आगे दिक्कत है, ऐसे हो सकता है कॉपी राइट की दिक्कत ना हो जाए। ओहो ये ऊन बाबूजी, ये क्या चीज़ है? अच्छा मशीन कपड़ा बनाने वाली। तो आज भी आप बनाते हो उसे, आज भी बनाते हो उससे कपड़ा? अच्छा हाँ, इधर तो आप बना रहे हो। तो भाई ये देखो भाई, दादू ने मुझे अंदर बुला लिया, कह रहे हैं आ जाए इधर की तरफ देख बना के देख ले। अच्छा अच्छा ये इसे खींचते हैं और ऐसे ऐसे धागा धाजा आगे पीछे जा रहा है, कभी ब्लैक जाता है कभी व्हाइट वाला। तो अभी ये कैसे जाएगा उधर गया, अब उधर से आएगा। ये आ गया, ये नहीं ये मैं उस पर डालता हूँ यूट्यूब पे। हाँ जी हाँ जी, अपने परिवार के लोग भी देखते हैं, बाकी अपना भारत भी देखता है सब। ये हमारा पाँव अंदर है एक बार है। हाँ ये देखो, हमारा ये भी पाँव बाहर आ गया है। हाँ ये निकलेगा नहीं। अच्छा अब निकलेगा नहीं। तो सामने की तरफ शॉपिंग करने के लिए आप लोगों को कुछ भी लेना हो, और इस साइड क्या है, इस साइड भी शॉपिंग करने के लिए ये सारा का सारा थिंग, कड़े बड़े कुछ भी लेना हो। अगर आप लोगों को पुराने टाइम का भाई टीवी भी रखा हुआ है सामने की तरफ, और ये पुराने टाइम की कबर्ड बनी है भाई, कबर्ड देखो क्या क्लासिक लग रही है पुराने टाइम की। तो ऐसी भाई ये मैंने अपने गाँव में देखी है, मैं अपने घर गया था पापा के घर, तो वहाँ पर मैंने ऐसी एक कबर्ड देखी थी रैक। और ये तो मैंने कभी ये नहीं देख पाया, मतलब देखा है पर अपना अपने परिवार में कोई किसी के पास है नहीं तो ऐसा कभी देखा नहीं। ये तो सब मट्टी वट्टी का नहीं है, पर ये सीमेंट का बनाया हुआ है, पर देखने में ऐसा लगता है जैसे मट्टी का है। और सामने की तरफ भाई परफॉर्मेंस चल रही है बिल्कुल सामने, यहाँ पर सामने वाली परफॉर्मेंस दिखाता हूँ आप लोग को लाइव। टेम्पू तो आप लोगों को याद ही होगा भाई, गणेश टेम्पू, आज भी पंजाब में मेरे को देखने को मिला था। तो इसमें चलते हैं भाई अभी अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या है। परांडा वरांडा टाइप से कुछ लिखा हुआ था बाहर, तो वो देखते हैं अंदर, फुलकारी परांडा। तो आज मैं देखूंगा भाई क्या क्या चीज़ होती है सामने की तरफ। तो ये चीज़ है भाई जो बात चल रही थी, ये फुलकारी कौन परांडे, फुलकारी क्या होती है? अच्छा 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 चुन्नी, ठीक 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 है, थैंक यू। और ये भाई देखो, ये है भाई घी बनाने वाली, जो लो क्या कहते हैं ऐसे जो भी बोलते हैं, मतलब और आगे देखते आगे क्या चीज़ है। इससे हम निकल के आगे क्या, बाजरा खिचड़ी, तो बाजरा की खिचड़ी खाते हैं और देखते हैं कैसा स्वाद है अंदर। बाकी पहले चलते हैं इस साइड में, इधर देखते हैं क्या चीज़ है। भाई ये है रूम, जैसे पहले वो करते थे ऐसे, मेरे को मामा के घर का याद है, ऐसे बेड ले रहा करते थे, बहुत सारे बेड ले रहा करते थे, काफ़ी बड़े बड़े रूम हुआ करते थे पहले। एंड ये देखो भाई चक्का, तो भाई ये देखो सामने की तरफ चूल्हा रखा है पुराने टाइम का जो पहले बना करते थे। ये तो मैंने आज भी देखे हैं इनका, ये इतना बड़ा वो नहीं है। और ये कबर्ड देखो, ओहो ये देखो कबर्ड भाई, और ये इस तरह के स्लैब मैंने देखे हुए हैं, तो इनका तो मैं बोलूँगा नहीं। बाकी बहुत ओ भाई तुमने तो डरा दिया, ये इसने भाई ने डरा दिया वगैरह, नहीं कौन बैठा अंदर। और ये टीवी भाई पुराने टाइम का, ऐसे से छेड़ सकते हैं क्या? चलो हम छेड़ेंगे नहीं, टूट टाट जाएगा अभी। और यहाँ से लेते हैं बाजरे की खिचड़ी है। हाँ जी हाँ जी, दरबार से। तो गाइस ये है बाजरे की खिचड़ी, और इसमें मक्खन डाल के दिया माजी ने, और अभी टेस्ट करके देखते हैं और दोबारा मिल जाएगी फिर हमें। बात कर रहा था बैठ के, बहुत अच्छा लगा यार इनसे बात करके, बैठी हुई थी मैंने कहा चल बात कर लेता हूँ, तो मैं बराबर में इनके बैठ गया। और ये देखो भाई पुराने टाइम की बाइक, राजदूत कहते थे शायद इसे।
और इधर भी कुछ है तो अंदर चलते हैं, डू नॉट टच। तो अंदर जो मशीनें रखी हुई है वो टच नहीं कर सकते। बाकी है ये देखो भाई पुराने टाइम का पंखा, और ये कबर्ड देखो सामने की तरफ, टैंक नहीं नहीं नहीं, ये तो भाई वो है सिग्नल देने वाली, रेड लाइट ग्रीन लाइट और येलो लाइट वाला होता है ना रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन का ही सामान है मुझे लग रहा है। हाँ गवर्नमेंट ऑफिस का सामान रखा हुआ है ये, और ये सामने की तरफ मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को पता है इसके बारे में तो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैंने देखी है पर मेरे को नाम नहीं पता इसका। टेलीफोन पुराने टाइम के भाई, यहाँ से ये देखो नंबरिंग वाला चलने वाला। साडा पिंड जरूर आना, अमृतसर आया तो साडे पिंड घूम के नहीं गए ना तो फिर बेकार है आपका आना। तो गाइज ये जो हमारे सामने की तरफ लगा होता कॉर्नर, यहाँ पे इन पे देना पड़ेगा पैसे, और प्राइस भी लिखा हुआ है सामने की तरफ। तो ये तो हमें खाना नहीं, क्योंकि हमारे भाई मेरी जेब में जितने पैसे देना सब खत्म हो गए भाई सारे। मेरे को आइडिया था कि 650 तक का आ जाएगा यहाँ पे, बट वो 650 से ऊपर तक का टिकट, 650 से ऊपर का टिकट बन गया। मेरी जेब में जितना पैसा था सब निकल गया, 850 ही पड़े थे, 850 दे दिए। और यहाँ चलिए ढोल, तभी चलते हैं अंदर की तरफ। यार ये पुराना झूला रखा हुआ है पर इस पर हम बैठ नहीं सकते। ये कमरा देखो, देख रहे हो ये तो मैं भी हूँ, पर शीशा हो रहा है गंदा, मैं दिख नहीं पा रहा। और ये बेड, और ये कबर्ड देखो भाई सामने, देख रहे हो इसमें दिखूंगा क्या, इसमें तो दिख जाऊंगा, देख रहे हो सामान लग रहा हूँ ना। हाँ इसी बात, लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, आज तो बड़े काम की चीज़ मिल गई, मजा आ जाएगा आप लोगों को ये लोग देख के ना। एक रूम दिखाता हूँ, जैसे महाराजा राजा महाराजाओं का रूम हुआ करते थे ना, तो ये वैसे ही कुछ रूम है। ये देखो भाई क्लॉक दिख रही है सामने, ये घड़ी तो मैंने पहली बार देखी इस टाइप की। तो काम की चीज़ दिखाऊँ भाई, ये टीवी देखो कितना पुराना है, ये तो मैंने पहली बार देखा है, आप लोगों ने पहली बार देखा भाई। इसका साइज़ भी देखो, अच्छा पीछे तक है साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, पर मैंने पहली बार देखा भाई, आप लोगों ने तो पहली बार ही देखा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। आप लोग भी तो रहीस हो मेरी तरह, मैं बस पैसों से गरीब हूँ, वैसा रहीस हो दिल का भाई। ये गाड़ी तो देखना भूल ही गया भाई, देख रहा कैसी गाड़ी है सामने की तरफ, बहुत ही अजीब है भाई। एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो कितने आसानी से मैंने इसे खींच लिया, पर अब देखो अब नहीं खींच रही क्योंकि बाल्टी ऊपर आ गई है पानी से, पानी से जैसे ही ऊपर आ गई तो ऊपर खींचना इसका मुश्किल हो रहा है। अरे नहीं भाई ये बाल्टी, ओहो मैं कह रहा ये इतनी इजीली कैसे खींच रही है। तो भाई बाल्टी देख रहे हो, ये देखो बाल्टी में है छेद, इसमें पानी निकल रहा है बार बार। ये एडवेंचर करने के लिए बाघ जैसे भाई ऊपर चढ़ रहे थे भाई, मौत का कुआ हालांकि काफ़ी छोटा बना रखा है, इससे बड़ा देखा है मैंने। क्राउड देखो भाई कितने लोग आ चुके हैं भाई, स्टार्टिंग में जब मैं आया था ना मेरे को कोई भी बंदा नहीं दिख रहा था, और ऊपर अभी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, बस इस भाई का इंतजार कर रहे हैं कभी स्टार्ट करेगा। बचपन में देखा था तब इतना ध्यान नहीं दिया था। आगे आके भाई साइड है वॉशरूम और रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट खाते जल्दी से जाके, रेस्टोरेंट खाते नहीं है खाना खाते हैं जल्दी से जाके रेस्टोरेंट में। तो गाइस ये लगा हुआ है देखो खाने की टेबल, और ये मैंने अपनी थाली लगा ली है। ये स्वीट में पता नहीं क्या है बट पहली बार टेस्ट किया बहुत टेस्टी था, दाल मखनी साग और ये दही बड़े शाही पनीर, अभी नान आ रही है। टेस्ट मैंने अभी दही बड़े टेस्ट किया और मीठा स्वीट में टेस्ट किया था, दोनों ही बहुत टेस्टी है और जल्दी से यहाँ तक खाते। दोबारा टेस्ट करने के बाद भले पता लगा ये है भाई खीर, और बाकी ये कूपन कहाँ लगेगा इसका देखते हो। और अब हम तो ये कूपन भाई होगा सबसे पहले कि यहाँ पे यूज़, और बाकी देखते हैं अभी भीड़ तो है नहीं शायद, हमें तो सिंगल बंदे के लिए तो नहीं चलाएंगे, बाकी पूछते हैं कितनी देर लग जाएगी भाई हमारे अभी गिलास पर, देखते हैं इसके सारे गिरेगी नहीं गिरेगी क्योंकि मेरे तो गिर ही नहीं पाएंगे। और ये ओहो एक ही गिर पाया। इसकी राइड मारने के लिए भाई बोल रहा है कि अगर एक दो राउंड चक्कर घूमने तो वो मैं ऐसे घुमा दूंगा, वरना चार बंदों का वेट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए झूले को, तो मैं एक ही राउंड मार लेता हूँ। तो गाइज ये भैया आज हमें राइड कराएंगे ऊपर, और अकेले कराओगे भैया मुझे या मेरे साथ कोई, पूरा अकेले उसमें एक ही चलो भाई थैंक यू। तो, और ये भाई ऑपरेटर है भाई, इन्हीं के हाथ में मेरी जिंदगी और मौत का खेल इसमें ऊपर, अकेले टांग मत देना मुझे बस। जैसे एयर होस्टेस में होता ना एयर होस्टेस, हाँ 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 अच्छा
ब्लू ये खतरे की निशानी है। अच्छा ये सही है भाई, पूरा साढ़े पिंड का नजारे। एंड ये देखो भाई 1x पे देखो आप लोग, ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है। और ये हमें ऑपरेटर भाई घुमा रहे हैं नीचे की इधर। तो बस यही कुछ नज़ारे हैं साढ़े पिंड के। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बता देना भाई कमेंट करके, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। और पीछे की तरफ तो इधर यहाँ पर आई थिंक लाइव परफॉर्मेंस चलती होगी। एंड सामने की तरफ आप लोगों को मैंने दिखाई दिया रेस्टोरेंट था उस साइड में, एंड रेस्ट रूम भी था। तो काफ़ी सारी चीज़ें बाकी सारे चारों तरफ इधर देखें तो अंधेरा ही है। अच्छा अच्छा इधर सामने की तरफ है भाई यूनिवर्सिटी अमृतसर की। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो भाई मेरे को एक दो चक्कर की बात हुई थी और भैया ने इतने सारे चक्कर कटा दिए, तो थैंक यू करेंगे भैया का क्योंकि इतना इतना प्यार और इतना करने के लिए। नहीं हाँ मैं वही बोल रहा था कि भैया वैसे एक दो चक्कर के लिए बोल रहे थे, बाकी करा ज्यादा दिए मेरे को। आइए सर, भारत में स्वागत है। थैंक यू भाई, मैं तो पाकिस्तान के पास ही है। ओके भैया काफी अच्छा लगा, थैंक यू भाई। तो बस यहाँ से अभी निकल है। क्राफ्टी दृश्य क्राफ्ट अपना, ये भाई अपना सब्सक्राइबर भी बनने वाला, चैनल का नाम है क्राफ्टी दृश्य। क्राफ्टी दृश्य हाँ, अपना भी एक चैनल। बताओ भैया का चैनल है अंकित पाल LTE। तो गाइज ये देख लेना भाई को, सब्सक्राइब करना। और भाई जो जो सब्सक्राइब रेल ब्लॉगिंग करता है। अच्छा रेल ब्लॉगिंग करता है, तो भाई जो जो सब्सक्राइब करेगा आप चैनल के नाम से डाल देना क्राफ्टी दृश्य के नाम से, तो भाई को पता लगना चाहिए भाई की तरफ से कितना सपोर्ट मिला। चीज रह गई थी, वो रह गई थी हमारी हेड मसाज। चश्मा निकाल दूँ तो चश्मा निकाल देते हैं और हेड मसाज लेते हैं भैया से। लास्ट टाइम तो अपने सैलून पे ली थी और आज भैया के हाथ में देते हैं। तो गाइज फाइनली भाई पार्किंग में पहुंच गए थे और पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा ली है। आज कल लोग अच्छा लगा तो शेयर कर देना, नहीं लगाओ तो तब भी शेयर करना क्योंकि भाई पैसा गया। 850 रुपये का टिकट खरीदा और पिछले व्लॉग में तो आप लोगों को पता ही है भाई 350 रुपये। भाई कोई कैसे मेरे को भगवान। तो आज के व्लॉग में इतना ही, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना। इस व्लॉग को करते ही पैन। जय हिंद जय भारत।